आकर्षक साज सज्जा के साथ मंदिरों में हुए भव्य आयोजन। जिले भर में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भक्तिभाव और हर्षोल्लास से मनाई गई। इस मौके पर दिन भर मंदिरों एवं घरों में कीर्तन का आयोजन हुआ तो रात होते हुए मंदिर रोशनी से जगमगा उठे। वहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं की तैयारियां दिन भर चलती रहीं। इस दौरान देर रात तक मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जन्माष्टमी के मौके पर शुक्रवार को यादव महासभा द्वारा भव्य जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। यह जुलूस स्थानीय गायत्री मंदिर से आरंभ हुआ जो हार्ट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, जय स्तंभ चौराहा, गुरुद्वारा रोड होते हुए शास्त्री पार्क पहुंचा। यहां भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ जन्मोत्सव जुलूस का समापन हुआ। जुलूस में एक रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण की झांकी आकर्षक का केंद्र बनी। वहीं भजन मंडली के इर्द गिर्द भक्ति विभोर होकर गूंजते गाते श्रद्धालु भी आकर्षक का केंद्र बने। जुलूस शहर के कई स्थानों पर स्वागत एवं पूजन किया गया। इस मौके पर कोकिल जी महाराज भी जुलूस में विशेष रूप से शामिल हुए। पूर्णाष्टमी केंद्रों पर हुए आयोजन। शहर के प्रमुख मंदिरों श्री द्वारकाधीश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोपाल मंदिर, हनुमान चौराहा मंदिर सहित सभी कृष्ण भक्त केंद्रों वैष्णो देवी मंदिर महाभिषेक के साथ महाआरती में हिंदू कार्यकर्ताओं एवं हजारों श्रद्धालुओं भक्तों ने भाग लिया एवं महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं 20 अगस्त को परंपरा अनुसार प्रातः 10 बजे से नंद महोत्सव मनाया जाएगा। मंच के तहत विराट हिंदू उत्सव समिति के प्रमुख कैलाश मंथन ने निशुल्क गीता वितरण का 31वां दौर शुरू हुआ। गीता जी 31,000 प्रातियां निशुल्क वितरण की जा रही हैं। गोपाल मंदिर पहुंची आकर्षक साज सज्जा। वहीं गोपाल मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार कर पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज रात 12 बजे यहाँ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसको लेकर दिन भर तैयारियां होती रहीं। मंदिर में शुक्रवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन्मोत्सव के बाद आरती कर प्रसाद वितरण होता है, जहाँ रात को हजारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जन्माष्टमी पर घर घर पर सजे बाल गोपाल। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जितने प्रेम और विश्वास से घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को सजाया जाता है, उतने ही स्नेह और वात्सल्य से घर के बाल गोपाल अर्थात बच्चों को भी सजाया जाता है। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने बाल गोपालों का वीडियो फोटो शेयर किए, जिसमें वह कभी बेटे में नटखट कन्हैया की छवि देखकर उसे मुरली थमा दी जाती तो कभी उसे सजाकर झूले में बिठाया जाता है। बहरहाल जन्माष्टमी के घर घर बाल गोपालों के भगवान की तरह सजाने को लेकर उत्साह देखा गया। गुना से संतोष ओझा की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।